हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं डाइपोल्स क्या होते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट क्या होती है डाइपोल्स की। आई होप आपने वाला लेक्चर देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लें, उसके बाद कंटिन्यू करें। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो डाइपोल होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फाइनाइट है, मतलब डिफाइंड है, मतलब यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लेकिन अगर आप डाइपोल को एज अ होल देखो, लाइक हम लोग जानते हैं कि डाइपोल जो होता है वो एक असेंबली होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, तो उसका अगर आप टोटल चार्ज फाइंड करेंगे विच इज बाय कह सकते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस से, तो आप क्या करने वाले हैं, दोनों चार्जेस का एलजेब्रिक सम करेंगे और यू फाइंड कि टोटल चार्ज का जीरो है। सो टोटल चार्ज डाइपोल का जीरो है, बट स्टिल उसकी एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट द डिफरेंट पॉइंट्स। वही डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सियल पॉइंट को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट को, फिर हम लोग बात करेंगे जनरल पॉइंट पे। एक्सियल और इक्वेटोरियल जो आपकी फील्ड्स हैं वो जनरल वाले फॉर्मूले से भी डिराइव करी जा सकती हैं, लेकिन हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले हम लोग को ये जानना है कि एक्सियल पर कैसे निकालें अलग से, इक्वेटोरियल पे कैसे निकालें, और फिर हम लोग चलेंगे जनरल पॉइंट पे। चलिए देखिए, अब उससे समझने से पहले मुझे एक चीज़ और आपको इंट्रोड्यूस करानी है, मैं एक बार रिकॉल करा दूँ और कुछ बातें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक डाइपोल है, एज यू नो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस इसका एक वेक्टर होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है आपको वेक्टर्स में, आप जानते हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन जिसमें वो वेक्टर पॉइंटेड है। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, मैं कह देता हूँ इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है कॉल इट पी वेक्टर, मैंने इसको पी वेक्टर मान लिया है। और इसको अगर पी वेक्टर मान लिया है तो ये जो डाइपोल होने वाला है बस, ओके जस्ट अ मिनट, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पी वेक्टर। ये डाइपोल मोमेंट इसका मैग्नीट्यूड है, इसका वेक्टर है, तो मैं इस पूरे डाइपोल को एक इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब अगर मेरा एक डाइपोल इस दिशा में रखा हुआ है, देन दिस सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द पी वेक्टर, और अगर ये डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन है तो मैं इस डायरेक्शन को नाम दे सकता हूँ पी कैप। इन अ सिमिलर वे कि जिस दिशा में आपका एक्स होता था आप उसको कह देते थे आई कैप, जिधर आपका y होता था आप उस दिशा को कह देते थे y कैप, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज उस दिशा में जाएगी तो आप उसे सिंपली i कैप का मल्टीप्लाई करोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैं सिंपल फिर से एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको ये बात। देखो जैसे इस दिशा में मेरे पास अगर 2 x मुझे चलना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 i कैप, अगर मुझे 4 का मैग्नीट्यूड है तो 4 ऑफ i कैप, इधर मुझे 6 तो 6 ऑफ j कैप। इसी तरीके से अगर इस दिशा में अब मुझे कोई भी चीज दिखानी होगी, देखिए आपको लग सकता है ये एक्स एक्सिस है, यस ऑफ कोर्स इट इज एक्स एक्सिस, इट कैन बी एक्स एक्सिस, बट डाइपोल में इस ओरिएंटेशन में ही रखूंगा, दैट समथिंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, कोई नेसेसिटी नहीं है ऐसी, मुझे डाइपोल ऐसे ही रखना है। अगर आप यहां पर डाइपोल देख रहे हैं दैट समथिंग मींस हमने इसको ऐसे चूज कर लिया, बट आई ऑल्सो हैव अ चॉइस टू पुट द डाइपोल इन दिस वे, देन यू से हाँ जे कैप यूज करेंगे, हाँ सही है। अब आप इसको ऐसा रखोगे तो अभी तो आपको आई और जे का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो अजीब सा ना, वो कुछ और फालतू की एक्स और वाई की बातें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, चीज़ लेंदी हो जाएगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ को बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट एक दफे दोबारा अप्लाई करें। देखिए जरा, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा वेक्टर जो है वो इधर है तो मैं इस दिशा को नाम दे दूंगा पी कैप, पी कैप, पी कैप, पी कैप क्या होने वाला है, पी कैप का मैग्नीट्यूड आपका होगा 1 और इसका डायरेक्शन ठीक वैसा ही होगा जो हमारा पी कैप का होगा। तो हमने मान लिया ये डायरेक्शन हमारी है पॉजिटिव का पी कैप, एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट इज माइनस ऑफ पी कैप, सॉरी पी कैप, जैसे ये एक्स कैप मतलब आई है आई कैप, और ये होता है माइनस आई कैप, जे कैप माइनस ऑफ जे कैप। इन अ सिमिलर फैशन मैंने इसको पी कैप मान लिया और इसको पी कैप का माइनस मान लिया। अब अगर डाइपोल मैं ऐसे भी रख दूंगा इस टाइप से, तो मेरी इस दिशा का नाम पी कैप होगा, ना कि किसी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, इस दिशा का नाम होगा माइनस ऑफ पी कैप, ना कि किसी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन। मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये होगा प्लस का पी कैप और इधर होगा माइनस का पी कैप, ना ही कोई एक्स और वाई का डायरेक्शन। तो इस चीज़ से ये चीज़ बड़ी ईजी हो जाती है, ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होती है यहाँ पर।
तो फर्स्टली मुझे इसकी जरूरत थी, आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ इनसाइड्स कर दिया. नेक्स्ट जब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके सो मैं इसको हटाता हूं. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्सियल पॉइंट के साथ. हम लोग पहले देख लेते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर हम लोग इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. सो फर्स्टली वी हैव एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट देखिए, एक्सियल पॉइंट जैसा कि आपको नेम मतलब इसके नाम से ही लग रहा है, इट मतलब समथिंग एक्सेस शब्द में इंक्लूड है. तो वही चीज यहां पर है कि कोई भी पॉइंट्स जो एक्सेस ऑफ द डायपोल पर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पॉइंट्स. लाइक अगर मेरे पास ये डायपोल है, ओके कंसीडर दिस डायपोल, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू और यहां पर चार्ज है प्लस ऑफ क्यू. इस डायपोल की हाफ लेंथ मान ली ए और अनदर हाफ लेंथ इज ए, सो फुल लेंथ टू है जैसा हमने कंसीडर करा था. और ये पॉइंट्स जो होंगे, सी दिस इज द एक्सिस, दिस लाइन ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डायपोल. अब इस एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सियल पॉइंट. एंड सिमिलरली आप अगर यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल पॉइंट. कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेदर यू चूज द पॉइंट एक्सिस पॉइंट हिदर और अगर आप एक्सियल पॉइंट कंसीडर करेंगे इधर, तो कोई भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, ना ही उसके डायरेक्शन पे. ठीक है, अब देखिए जरा, मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, से पी. हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट है जहां पर हम लोगों ने मान लिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है. एंड यहां पर सेंटर ऑफ द डायपोल से दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया है. ओके फाइन, मैं मान लेता हूं डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है दैट इज पी वेक्टर. ठीक है, पी पॉइंट और पी वेक्टर से कंफ्यूज मत होना. पी पॉइंट सिर्फ एक दफे मार्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होने वाला है. एंड पी वेक्टर इज अ डायपोल मूवमेंट वेक्टर. सो आर वो दूरी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग यहां पर पहले तो इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, फिर इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो डायपोल की फील्ड आ जाएगी. चलिए मैं दोबारा कहता हूं इस बात को, यहां से समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे कहता था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हो और आपके पास चार्जेस जो हो वो एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो आप करते क्या है, हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उनका वेक्टर सम कर देते हैं. बस यहां पर वही करना है, मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, मेरे पास एक चार्ज माइनस क्यू है, मुझे दोनों की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस सॉरी फील्ड्स निकालनी है और दोनों का ही वेक्टर समेशन कर देना है. जैसे वेक्टर समेशन आप कर देंगे, आपके पास जो फाइनली फील्ड होगी वो होने वाली है आपकी पी पॉइंट, दैट मीन्स एक्सियल पॉइंट के बारे में. ओके हम लोग उस चीज़ को अप्लाई करते हैं. देखिए यहाँ पर काफ़ी कंसिडरेशन लिखे जाएंगे, लाइक कंसिडर डायपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू. ओके प्लेस दैट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, लेट पी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड. ये सब कंसिडरेशन आप लिख सकते हैं. मैं चलिए उसको ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा. कंसिडर ए डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस अपार्ट, लेट पी बी द पॉइंट एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड. मान लीजिए मैंने ये सब कंसिडरेशन ले लिया. चलिए पूरा मैथमेटिकली इसको एनालाइज करते हैं. ओके तो पहले मैं करने वाला हूं, मैं इसको मान लूंगा दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी. अब लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली, कहां पर, एट पॉइंट बी. हम यहां पर ऐड कर सकते हैं एट पॉइंट पी, पॉइंट पी की बात हो रही है, कितनी होने वाली है फील्ड, दैट समथिंग वी कैन डिनोट बाय ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू अपॉन एंड दिस वे. देखिए यहां से दूरी सेंटर से आर है और यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो ये दूरी होगी आर माइनस ए. आप इसको आसानी से समझ सकते हो, कुछ भी इसमें टफ नहीं है. ओके, अब अगर मैं इसकी वजह से फील्ड इधर बनाऊंगा तो एज ए डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्मेट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ड्रॉ करूंगा तो वो एरो इधर की तरफ जाएगा. फॉर द रीजन कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा पॉइंट होती है अवे द चार्ज. सो यहां पर अवे द चार्ज पॉइंट होगी और आई कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग बी टू पी वेक्टर, बी टू पी, बिकॉज ये डायरेक्शन जा रहा है, ये बी पॉइंट से पी की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अलोंग बी पी, अलोंग बी पी. और यू में से कि ये जो फील्ड आ रही है दैट इज अलोंग द पी कैप, यू कैन राइट दिस. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नोटेशन को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर भी इंट्रोड्यूस करते हुए चल सकते हो, बट क्या होगा ना, अभी आपको अगर मैं ये चीजें इंट्रोड्यूस करते चलूंगा तो आपको डेरिवेशन में बड़ा अजीब सा दिखेगा पी कैट. लास्ट में तो इसको समझोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको इजीली लर्न भी कर लोगे, जो कि नहीं करना होता है, खैर फिजिक्स में अप्लाई करना होता है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू, नेगेटिव क्यू की वजह से कितनी होने वाली, दैट मीन्स ई टू इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर. कैसे, दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज, दिस डिस्टेंस इज ए एंड फ्रॉम द सेंटर अप टू हियर दिस इज आर, सो दिस इज आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर. ओके, अगेन यहां पर मैं एड ऑफ करता हूं अलोंग, इसका डायरेक्शन ऐड करते हैं, चलिए इसका डायरेक्शन देख लेते हैं. देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसी होती है, फॉर द रीजन नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके टूवर्ड्स होती है. सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर पॉइंटिंग ई टू वेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर वन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ई वन. सी मैं यहां पर चाहूं तो इस बात का ध्यान रख सकता हूं कि ई वन वेक्टर बड़ा हो और ई टू छोटा हो, क्यों, बिकॉज ई वन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने वाला है, ई टू जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कम होने वाला है. एंड एज यू नो द लेंथ ऑफ द वेक्टर सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर वेक्टर. सो ये ई वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है फॉर द रीजन बिकॉज यहां पर डिनोमिनेटर जो है दोनों में ये डिनोमिनेटर छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा जो ऊपर वाला सिस्टम है वो हमारा एक सा है. सो दिस समथिंग इज डिवाइडेड बाय अ नंबर जो कि छोटा है, दिस सर्टेन नंबर, दिस समथिंग इज डिवाइडेड बाय द नंबर व्हिच इज लार्जर देन दिस नंबर. सो फॉर दिस रीजन ई टू इज लेस देन द ई वन, क्लियर. एंड अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग फ्रॉम बी टू पी, सो यू कैन राइट दिस इज बी बी. आई होप इट मेक्स सेंस. नाउ द नेट फील्ड एट पॉइंट पी, नेट फील्ड एट पॉइंट पी इज ई वेक्टर बराबर ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर. हाउ, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यू कैन राइट हियर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, मैं सिर्फ आपको ऐड कर रहा हूं, आप लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट हाउ इट इज डन. Okay, so by superposition principle, then E is equals to the vector summation of these two fields because electric field is a vector quantity. Agar aapko sum karna at any time, at any place, then you need to add vectorially. So net field, okay, this one. Agar aap jante hain, dono directions jo hain, dono vectors jo hain, they are in opposite way. They are in opposite way or you can say they are 180 degree. इनके बीच में देख एंगल है. सो जो ई का मैग्नीट्यूड होगा, सी दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, बट इनका जो मैग्नीट्यूड निकलता है, यू नो हम लोग इनमें लगा सकते हैं बाय ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ. और 180 डिग्री जब होता है, आप जानते हैं, बल्कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ये कुछ आप ऐसे लिखेंगे दैट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कोसाइन थीटा. ओके, लेट मी ओके, फर्स्टली मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जब भी आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इफ़ द टू वेक्टर्स आर इन 180 डिग्री देन आप हमेशा बड़े वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए. अभी ये आप कैसे ऑप्टेन कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर 180 लगाओ
180 लगाओगे तो यहाँ पर माइनस वन आएगा, देन दिस विल बिकम ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस टू ई वन ई टू, दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटाओगे ए माइनस बी बचेगा। सो आई कैन सिंपली राइट जो नेट फील्ड होगी दैट इज सिंपली ई वन माइनस ई टू, एंड दैट इज इन मैग्नीट्यूड टर्म्स, यहाँ से नहीं, ये मैग्नीट्यूड टर्म्स में आपके पास है, डन। चलिए आगे देखते हैं, अब मैं अगर इसको लिखूंगा देन ई इज इक्वल्स टू E1 minus E2, that something means, okay, E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught, मैं common out कर लूँगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा R minus A to the whole square, और यहाँ पर आएगा मेरे पास R plus A to the whole square, I hope it makes sense, okay, मैं इसको solve करता हूँ, 1 over 4 pi epsilon naught, okay, मेरा pen जो है वो कुछ ज़्यादा ink छोड़ रहा है, माइनस आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर, एंड दिस वी कैन राइट आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर एंड आर प्लस टू द होल स्क्वायर, मेक सेंस, डन। मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऊपर को, तो आप देख सके यू कैन गेट वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन राइट दिस वे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई थिंक आपको विजिबल हो, तो मैं थोड़ा सा सुपर शॉर्ट कर लेता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी साइड तक बढ़ जाए। सी यहाँ पर टू आर ए आएगा ना कि माइनस टू आर ए, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का टू आर ए, फॉर द रीजन आप जानते हैं जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट सिंपली गोइंग टू बी प्लस का आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस का टू आर ए, बट माइनस का जब अंदर भेजेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब जब देखिए ये लिखा है एक तरीके से आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल टू द स्क्वायर, सिंपली दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो ए बी का होल स्क्वायर, एक ही बात तो है ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, सो ई इज इक्वल्स टू 1 over 4 pi epsilon naught, we are left with 4 times of Ra, and देखिए a minus b a plus b, that something means r square a square, and again we have a whole of the square, done, इसको कुछ ऐसे ऐड कर सकते हैं। ओके मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जब हमने लिखा है तो हम लोग यहाँ पर क्यों भूल गए हैं, ये सब चीज़ों में क्यों था ना, तो क्यों भी हमारा कॉमन आउट आ जाता है, क्यू दिस वे ना क्यू दिस वे, ओके। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 ए को मैं लिखूंगा 2 ए टाइम्स 2 आर, 2 ए टाइम्स 2 आर, एंड दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल आर स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। देन अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने माने q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टाइम्स 2a, यू कैन राइट p एंड टाइम्स 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ओके। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं इसको यहाँ पे कंसेंट्रेशन हटाता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, E something is equals to 1 over 4 pi epsilon r, and this is 2 times p of r divided by r square a square to the whole square, and this is the final value of the field. Okay, आप ये पूछ सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही क्यों करा, इसको क्यों कैसे करा जा रहा है, बिकॉज ये जो क्वान्टिटी बैठी है ना यहाँ पर, ये हमें इसका डायपोल मोमेंट दे सकती है, इसलिए हमने करा, क्योंकि हम लोग डायपोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इट विल बी बेटर कि हमारा डायपोल मोमेंट का टर्म इन्वॉल्व हो जाए, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है ना। जस्ट जी आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर याद रखें, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई वर्जन लेके आ गए हैं यहाँ तक, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, call it one, this is the electric field due to dipole at this axial point, okay, मैं इसको कुछ और भी कर सकता हूँ in vector format, in vector form, अब vector form के बारे में तो जान लो पहले, ये जो particular field थी ये थी इस दिशा में और दिस पर्टिकुलर फील्ड वॉज इन दिस डायरेक्शन, अभी आप खुद एनालाइज करो, अगर मैं ई वन में से ई टू माइनस करूंगा तो नेट फील्ड किस दिशा में आने वाली है, डेफिनेटली अलॉन्ग बी पी, मतलब क्योंकि ई वन बड़ा है ना, तो डायरेक्शन जो बचेगा हमारे पास वो बी पी वाला बचेगा, और बी पी डायरेक्शन का नाम हम लोग बी पी, देखो कोई भी ऐसे ही मतलब कैसे बताऊँ, समझो
पीपी अभी आपने पॉइंट लेट करे हुए हैं, डायपोल तो किसी भी ओरिएंटेशन में रखा है ना, कैसे पता बीपी कौन सा? बीपी कोई जनरल नोटेशन नहीं है ना। बीपी नोटेशन अगर आपको इस्तेमाल करनी है, देन यू नीड टू गिव द एप्रोप्रिएट, मतलब डायग्राम बना के दोगे, उससे स्ट्रक्चर बना के दोगे, देखो ऐसे माना है, ऐसे माना है, ये सब नहीं है। हम लोग इसको मोस्ट जनरल टर्म में सिंपल कह सकते हैं, डिस डायरेक्शन कितना होने वाला है पी कैप। अब डायपोल तुम चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, किसी भी ओरिएंटेशन चूज करो, पी अगर आप डायपोल टिल्ट करोगे देन पी गोइंग टू बी दिस वे, अगर डायपोल को अप टिल्ट करोगे तो पी ऐसा होने वाला, ऐसे रखोगे तो पी कैप ऐसा होने वाला है। सो सिंपल सी बात ये है, डायपोल जो भी आप डिफाइन कर रहे हो क्वांटिटी, या जो भी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो, उसमें क्या करते हैं, एक जनरल वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, इसका पी वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा था, डेफिनेटली इस दिशा का नाम मैं कह सकता हूं पी कैप, जिसको मैंने ठीक लेक्चर शुरू करने से पहले आपको समझाया था। सो दिस डायरेक्शन कैन बी रिटन एज पी कैप। सो मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता हूं, आई होप इट विल मेक सेंस टू यू। ई वेक्टर दैट इज 1/4πε0, दिस इज 2πr/r² माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर पी की प्रेजेंस होना है इस एक्सप्रेशन पर, इस एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा, बिकॉज दिस समथिंग इज अ स्केलर, और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लगा दिया, देन दिस होल क्वांटिटी बिकम अ वेक्टर। दिस सेइंग दैट दिस मच मैग्नीट्यूड इज पॉइंटिंग अलोंग दिस वे। अब ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, दैट समथिंग मीन्स कि अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा तो इसमें मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कैरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन, एंड एनीथिंग गेट मल्टीप्लाइड वन गिव्स यू द सेम नंबर। तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बट जब तक इसको आप यहाँ पर वेक्टर नोटेशन रखेंगे, इट कीप्स पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो भी इस पॉइंट पर होगा। आई होप इट मेक सेंस। ओके, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट्स लुक लाइक। फर्दर ऑन मैं क्या कर सकता हूं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस फैक्ट के कि सपोज हमारे डायपोल का जो साइज है, द साइज ऑफ द डायपोल इज वेरी 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 स्मॉल, द साइज ऑफ द डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। और यू मे से, जैसा हम लोगों ने कंसीडर करा था ना लास्ट लेक्चर में, कि अगर डायपोल की लेंथ ज्यादा छोटी होने वाली है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम देखें, क्योंकि आप समझो ना, हम लोग को जो एक्चुअली में डायपोल देखने को मिल रहा है, दैट इज समथिंग ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल, कि डायपोल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज बिकम पोलराइज्ड, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऐसी भाषा कुछ आपने सुन रखी है अपने केमिस्ट्री में, फजान रूल वगैरह ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो डायपोल क्या है, यही तो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको डायपोल्स मिल रहे हैं, वहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, मतलब काफ़ी नॉट फील्ड बहुत ज़्यादा छोटी, जो डायपोल्स हैं उनकी लेंथ बहुत कम है। सो इन जनरल पर्पसेस मैं कह सकता हूँ कि जो ए है ना, या यू कैन से 2a, और यू में से ए जो होगा वो काफ़ी छोटा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ आर, इन कंपैरिजन टू आर, यू कैन से केस वन। ओके, लेट मी राइट इट, केस वन, अगर ऐसा हुआ, इफ सब समहाउ आर इज मच मच लार्जर देन ए, एंड दैट समथिंग मीन्स द डायमेंशन ऑफ द डायपोल इज मच 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 स्मॉलर देन द आर, दैट मीन्स योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द फील्ड, अगर ऐसी सिचुएशन है देन ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ चेंज हो जाता है, और मैं उसको देखिए आपको लिख के दिखाता हूं। उस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, सो इन दैट केस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन नियरली इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, फेयर इनफ। So E is equals to 1/4πε0, you can write 2 of P upon R square to the square gives you R raised to 4. So मैं यहाँ से एक R cancel कर सकता हूँ, and we will have 1/4πε0 twice of P by R cube, and that something points very important fact, and that is the electric field is varying with a cube of the resistance. Not cube, 1/cube of the distance from the center of the dipole, and ऐसी चीज हम लोगों को फिर से समझनी चाहिए। वो कुछ ऐसी है कि पॉइंट चार्ज के केस में the electric field was varying as a square of the distance, as a 1/square of a distance. फिर हमारे पास आया लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज वेरिंग 1/r, एंड दिस टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r³। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा देखने को मिले इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1/r² या 1/r³, इट चेंजेस एज द सिस्टम चेंजेस,
लास्ट टाइम सिस्टम था हमारे पास कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज, और उससे पहले हमारे पास था पॉइंट चार्ज, एंड दिस टाइम वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एंड दैट समथिंग गिव्स द फील्ड विच इज आर क्यू. अगेन द थिंग्स दैट इज टू बी नोटिस्ड कि आर और आर दोनों ही पॉइंट चार्ज, स्टिल वी हैव अ पॉइंट चार्ज बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्ज, और वो हमको रिजल्ट कर रहा है एक ऐसी फील्ड जो कि क्यूब की तरीके से वेरी हो रही है. इट दीज आर पॉइंट चार्जेस, लेकिन पॉइंट चार्जेस होने के बाद भी दे आर गिविंग अ रिजल्ट विच इज आर क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब. सो ये कुछ अच्छी बात है यहाँ पे. दिस थिंग इज टू बी नोटिस. अच्छा, न्यूमेरिकल्स में आपको मोस्ट ऑफ टाइम यू नीड टू यूज दिस थिंग्स. ये भी यूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको यहां पर इसका उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा. ओके, जस्ट क्विकली राइट इट डाउन, मैं फिर आगे बात करता हूं. ओके, आई होप ने नोट कर लिया होगा. अब देखिए जरा क्विकली एक बात नोटिस करो यहां पर. द थिंग इज दैट कि आपने ये वेरिएशन देख लिया और ये वेरिएशन कुछ ऐसे आता है यहां पर. ओके, अभी बात कर लेते हैं एक्सियल पॉइंट के बारे में, इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में, और इससे हम लोग कंपेयर करेंगे. लेकिन उस पे जाएं उससे पहले मैं यहां पर एक सिंपल चीज आपको मैथमेटिकली लिख के दिखा दूं कि क्या अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास ना हो के नेगेटिव चार्ज की तरफ होता, क्या इससे कोई फर्क पड़ता? क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि हो सकता है आपको इधर नेगेटिव चार्ज लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव हो, मैंने इधर पॉजिटिव लिया हो, आपने नेगेटिव पढ़ा हो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? या एक्सियल पॉइंट में यहाँ ना कंसीडर करके यहाँ कर लूँ, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. देखो मैं बताता हूँ, ये पॉइंट कंप्लीटली यू कैन से दीज आर एब्सोल्युटली सिमिलर, यू कैन से दीज आर जस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट्स. ये इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं, चाहे आप यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही आपके डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ना ही आपके मैग्नीट्यूड पे, एज लॉन्ग एज आप ये वाला डिस्टेंस आर जितना इधर है उतना इधर रखें. ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ डायग्राम और इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैं दोनों डायग्राम बैक टू बैक बनाता हूँ, आप इधर बना एक इधर बनाता हूँ, आप समझ जाओगे. से मैंने डायपोल की चॉइस कुछ ऐसी रखी है. ठीक है, दिस इज अ प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस ऑफ क्यू, एंड वी हैव चोजन द पॉइंट जहां पर फील्ड डिटरमाइन करानी है, एंड स्टिल दिस आर इज स्टिल आर. ओके, देखो अगर आपको मैग्नीट्यूड ठीक उतना ही ऑप्टेन करना है जितना आप इधर ऑप्टेन करना चाहते हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप डिस्टेंस ना चेंज करना, क्योंकि डिस्टेंस तो प्रोपोर्शनली वो आपके मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे. ओके, सो अगर मैं पॉइंट वाइज देखूं तो पहले इसकी वजह से फील्ड निकालोगे और इसकी वजह से फील्ड आप निकालोगे कुछ इस तरीके से. और नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमने क्या कही थी? ई टू. नेगेटिव चार्ज की फील्ड जो नेगेटिव तरफ जाती ई टू. एंड अगेन इधर आई होप मैं साफ बना रहा हूं, दिस इज ई टू. एंड अगेन पॉजिटिव की वजह से ई वन. तो अगर आप एक चीज नोटिस करते हो तो करें कि ई टू का मैग्नीट्यूड अब ज्यादा हो गया है, फॉर द रीजन ई जो है, ये जो पी पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के करीब है, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा. और पॉजिटिव चार्ज अब वहां पर क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, सॉरी दूर हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड यहां पर छोटा हो पाएगा. अभी अगर आप इनको नेट निकालोगे तो नेट जो होगा वो इस दिशा में आएगा, नेट जो होगा वो इस दिशा में आएगा. अब मैग्नीट्यूड तो हमारा वही निकलेगा जो वहां पर निकला था या जो यहां पर निकला था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब डायरेक्शन देखो भाई, जब आपने आर सेम रखा है, जितना उधर आर की चॉइस करी थी उतनी इधर आर की चॉइस करी थी, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपने क्वांटिटी माइनस कर लिया, मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है. डायरेक्शन की चॉइस देखो, लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये वाली या आप ये वाली कह लीजिए, वो हमेशा थी डायपोल मूवमेंट के अलॉन्ग. तो देख लेते हैं डायपोल मूवमेंट वेक्टर किधर है. डायपोल मूवमेंट वेक्टर ये रहा. डायपोल पॉइंट करता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये रहा. तो इस दिशा या इसको मैं बोलूंगा पी कैप, और इस दृश्य को मैं बोल सकता हूँ पी हैट. दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज पी हैट. तो ये दिशा है, और नेट फील्ड किस दिशा में आ रही? इस दिशा में आ रही. सो जो भी ई होगा हमारा, उसका डायरेक्शन कितना होने वाला है? दिस वन. और यू कैन राइट ई टू माइनस ई वन, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आएगा, और जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी? पी कैप. सो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, चॉइस वही है जो इस बार पिछली बार थी वही इस बार है. चलिए नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स की, कि इक्वेटोरियल पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्टली तो ये जानेंगे, और अगर मैं इस डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड निकालूं, देन वो एक्सप्रेशन इससे कितना अलग होने वाला है.
ओके, मैं लास्ट टाइम, चलिए उसको मैं एक ड्रोल पॉइंट के बारे में आखिरी में कंक्लूजन के दो पॉइंट्स लिख दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मुझे डायरेक्शन के बारे में बात करनी है पी कैप की विद अ फील्ड, ठीक है ना। पी कैप के डायरेक्शन में ये चीज़ आपसे कहना थोड़ा सा बोल गया, एंड वी विल कंक्लूड दीज टू थिंग्स एट द लास्ट। ओके, सो दिस बिकम्स इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। फर्स्टली एक डाइपोल बना लो, देखो ये रहा हमारे पास एक डाइपोल, दिस इज अ डाइपोल, और यहां पर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वो डाइपोल को दो हाफ्स में डिवाइड करे, कॉल इट पॉइंट, यू कैन से बी पॉइंट, दिस यू मे से पॉजिटिव चार्ज, से दिस पॉइंट इज ए, कॉल इट नेगेटिव चार्ज। अगर आप एक ऐसी लाइन की चॉइस कर सकते हो विच कैन डिवाइड द डाइपोल इंटू टू हाफ्स, एंड एज वेल एज दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू में से, तो आप क्या कहोगे, ये जो लाइन है चाहे यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वेटोरियल लाइन है, चाहे आप इस डाइपोल के नीचे जाओ चाहे आप ऊपर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर लाइन ओवर दिस लाइन आर कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, और यू मे से दिस लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ओके, सो अब मैं करने क्या वाला हूँ, अगेन द सेम थिंग हम लोग ऊपर डिस्कस करेंगे, तो यू कैन जस्ट रिमूव दिस लाइन, तो ये डिस्टेंस इज सिंपली आर हाफ डाइपोल, एंड दिस इज सिंपली अदर हाफ, और मुझे सेंटर से किस पॉइंट पर जाना है, एट सम डिस्टेंस आर आई नीड टू डिटरमाइन द फील्ड। सो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग पहले तो ज्वाइन करेंगे इनके पॉइंट्स को, ये यहां ज्वाइन करेंगे, सो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस आएगा आपके पास, ये आने वाला है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई थिंक इट मेक सेंस। अगेन दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज अ पी, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बिकॉज काफी चीजें मर्ज अप हो जाएंगी। ओके, सो अब क्या करना है, सिमिलर फैक्ट जो पहले इस्तेमाल करा था, अभी फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल लो, इंडिविजुअल चार्जेस की जब फील्ड्स आ जाए उनका वेक्टर समेशन कर दो अकॉर्डिंगली जैसे आपके पास मिले, यहां भी वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो वहां पर करी थी। चलो, क्यू की वजह से जो फील्ड है, क्यू माइनस क्यू, और माइनस क्यू की वजह से फील्ड जो होती है वो आपकी होती है टूवर्ड्स द चार्ज, मार्क कर ली। ओके, सो दिस समथिंग या दिस लाइन यू मे से, ओके लेट मी डू दिस, सो ये जो चीज है ये आपको दे रही है आपकी फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, और मैं इसको पॉइंट कर सकता हूं, से दिस इज पॉइंटिंग द ई टू वेक्टर, मेक सेंस। अगेन पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसी जाएगी, एंड लेट्स कॉल इट ई वन। अगर देखो तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं इसी लाइन के अलोंग क्यों बना दी, मतलब व्हाई डज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल जाती है उसकी, नहीं पॉसिबल है। देखो ऐसा इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो होती हैं दोज आर सेंट्रल इन नेचर। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैंने वहां पर इस बारे में बात करी। अगर आपने नहीं देखा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक यहां पर आई बटन में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमारा आप वीडियो देखिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सेंट्रल इन नेचर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी दोज विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग दिस लाइन। देखो अगर यू फाइंड दिस समथिंग डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस तो वो सिर्फ मेरा बनाने में फॉल्ट है, अदरवाइज फील्ड जो होगी वो सिर्फ इसके अलॉन्ग ही होने वाली है। सो ये इस वजह से कि सेंट्रल फोर्सेज जो होती है दोज ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, दैट्स वाई हम लोग इसको ऐसा ही बनाने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड ई टू एंड दिस इज कॉल्ड ई वन। तो क्विकली ई वन और ई टू की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग और फिर बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली, कहां पर, एट पॉइंट पी, हम लोग पॉइंट पी की बात करने वाले हैं। सो दिस वे हमने उसको माना है E1, सो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स क्यू ओवर हाउ मच दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए टू द होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर।
Now this can be written as E1, you can say 1 over 4 pi epsilon naught Q simply R square plus A square. डायरेक्शन क्या पॉइंट करने वाले हो, से वी हैव दिस पॉइंट P, हमने इस पॉइंट को क्या मार्क करा था P, ये P वेक्टर नहीं है, P इज जस्ट अ नेम ऑफ द पॉइंट, ठीक है. सो इसका डायरेक्शन जा रहा है फ्रॉम B टुवर्ड्स P, सो आप लिख सकते हैं दिस फील्ड अलोंग BP, सीम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. सो दिस इज वन यू मे से. नाउ सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हमारे पास माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होने वाली है, यू कैन हैव ई टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस गोज क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय द सेम लॉजिक बिकॉज डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है. और इस फील्ड का किधर होने वाला है, दिस फील्ड इज अलोंग पी ए, सो दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज ए एंड दिस फील्ड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, दैट्स वाई मैंने रखा है यहां पर पी ए. ओके, मेक इट टू. नाउ जो थिंग यहां पर आपको नोटिस करनी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पी. आप यहां पर लिख भी चुके हैं, मैं इसको बाद में लिखूंगा, चलो अभी बात कर लेते हैं. फर्स्टली चलिए इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ये दोनों साइड्स बराबर है. इसके पैरल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, इस साइड के पैरल कैन ड्रॉ अ लाइन दिस वे. इफ दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी द थीटा. एंड सिमिलरली अगर ये थीटा है तो यहां पर ये भी थीटा होने वाला है. ये हुआ आपका अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, दीज आर टू पैरल लाइन, दिस बिहेव्स एज अ ट्रांसवर्सल. एंड सिमिलरली दिस एंड दिस इज अ पैरल लाइन एंड दिस बिहेव्स एज अ ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल भी आपस में बराबर होने वाले हैं. यू कैन राइट दिस एज थीटा ऑल्सो. ओके, मेक सेंस. अगेन अभी यहां पर मुझे करना है वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर रिसोल्यूशन. मैं इस पे भी कर सकता हूं, लेकिन चलिए थोड़ा सा जैसे क्लैरिटी खराब ना हो, मैं इस रिसोल्यूशन को इधर करके दिखाता हूं आपको. ओके, देखो समझो, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, सॉरी दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे. ओके, कुछ ऐसा हमारे पास है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ ऐसी. एंड यू हैव गिवन अ नेम E2 एंड दिस इज यू हैव सेन ये E1 है. अरे देखो एरो इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब E2 मत समझ लेना, दिस इज E1, दिस इज E1, E1, हाउ कैन आई गिव नेम E1, डन. अभी देखो यहां पर ये एंगल थीटा है, वेक्टर रिजोल्यूशन से यू कैन रिजोल्व दिस पर्टिकुलर E2 इनटू टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज E1 ऑफ कोसाइन थीटा, इसका होने वाला है E1 ऑफ साइन थीटा. ओके, इसी तरीके से E1 के लिए यह एंगल थीटा है, आप इसको फिर से रिजॉल्व करोगे, दिस इज E1 का साइन थीटा कंपोनेंट, बट इसी दिशा में इसका भी आने वाला है E1 का कोसाइन थीटा. ओके, दिस वाज E2, मैं E1 लिख रहा हूं लगातार E2. ओके, सो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब देखो आपने इन दोनों फील्ड्स के दो कंपोनेंट सॉल्व कर लिए, सो आप क्या कर सकते हो, आप E साइन थीटा से E2 sin theta काट सकते हो, E1 sin theta को E2 sin theta से काट सकते हो, because both the thetas are equal, so sin thetas उनके equal होंगे, and E1 and E2 के magnitudes बराबर हैं, the only things जिसमें ये differ कर रही हैं other directions, so magnitude की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल अलग-अलग होने वाले हैं, मतलब same होने वाले हैं, लेकिन direction देखो तो direction बिल्कुल opposite होने वाले हैं. इसका मतलब आप लिख सकते हो कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको जीरो मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ E1 sin theta E2 sin theta को कैंसिल कर देगा. सो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शंस बचेंगे वो सिर्फ इधर बचेंगे, हमारे पास एक बचेगा इधर E1 cosine theta और एक हमारे पास बचेगा E2 cosine theta. तो हमारे पास जो चीज रह जाएगी यहां पर वो होने वाली है दोनों ही चार्जेस के कोसाइन कंपोनेंट, ना कि साइन. साइन तो कैंसिल हो जाने वाले हैं. तो नेट फील्ड में कैसे लिख सकता हूं, हम लोग लिख सकते हैं नेट फील्ड एट पॉइंट पी कैसे होगी, ई इज इक्वल्स टू ई वन कोसाइन थीटा प्लस ई टू कोसाइन थीटा. हाँ आप पूछ सकते हो कि हम तो समेशन वेक्टर सम करते थे, हाँ वेक्टर कर लो, देखो दिस वे दिस आर वेक्टर्स, सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर पॉइंटिंग एज अ मतलब जो ई वन का कोसाइन कंपोनेंट होगा और ई टू का कोसाइन कंपोनेंट है, बट फॉर्चुनेटली ई टू कॉस थीटा और ई वन कॉस थीटा दोनों ही सेम डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यू कैन सिंपली एड देम.
सो मैं इनको सिंपली ऐसा भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोच कभी चेंज नहीं होती है. वेक्टर अप्रोच वेक्टर वाली है यहाँ पे, बट यहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसी, यू कैन सिंपली टेक द स्केलर्स और यहाँ पर ऐड कर सकते हो. सो ई गोइंग टू बी, सिंस मैं जानता हूँ ई वन कोसाइन थीटा, यू कैन राइट दिस, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू, और यू कैन सिंपली से ई वन इज इक्वल्स टू ई टू, ऐसा लिख सकते हो ना. तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ. चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं. So E is equals to twice E1 की वैल्यू लिख लीजिए, Q over 4 pi epsilon naught R square plus A square, and we have cosine of theta. So करके दोगे, substitute कर दो वैल्यू cosine theta की, theta is this, cosine theta is what, A over this, A और hypotenuse आप निकल के देख सकते हैं. So मैं लिख सकता हूँ E is equals to Q over 4 pi epsilon, और यहां पर आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वी हैव अ टू ओवर हेयर. कोसाइन थीटा को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. सो हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस इज वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि q इंटू टू ए जो है वो हमारा डायपोल मोमेंट बना सकता है. सो मैं इसको एक साथ लिखूंगा q इंटू टू ए ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई टू, रेज टू पावर 3 बाई टू. ओके, दिस इज वन पावर, दिस इज वन हाफ, ऐड करोगे 3 बाई टू. सो दिस वे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p r नॉट r क्यूब, दिस इज r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3 बाई टू, और मैं इसको क्लोज करूंगा इन अ ब्रैकेट और डन. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट. अगेन यहां पर मैं सेम केस अप्लाई कर सकता हूं, इफ आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन ए देन व्हाट हैपन, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दिस समथिंग इंप्लाइज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इज इक्वल्स टू नॉट ए स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर. सो आप लिख दोगे ई इज इक्वल्स टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पी, और जरा देखो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और यू में से आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू से टू चला जाएगा, यू आर लेफ्ट विद आर क्यूब. This is the expression for electric field of a dipole if the length of the dipole is very very small in comparison to the distance r. Okay. Again. फिर से देखिए कुछ और ऐड कर लेते हैं इस बारे में. वेक्टर फॉर्म में क्या करने वाले हैं हम लोग. अच्छा जरा देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ये ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, दिस इज ई, और यू में से ई नेट. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस ऑफ क्यू. अगर आपको मार्क करना हो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एंड दैट्स गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, कुछ ऐसा, दिस इज पी वेक्टर, तो मैं इस दिशा को कह सकता हूँ पी कैप, एंड आई कैन पॉइंट दिस सर्टन डायरेक्शन एज माइनस ऑफ पी कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिख रही है तुम्हें, उधर की दिशा में या इधर की दिशा में? सही से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको माइनस पी कैप में दिख रही है, मतलब इस दिशा में. अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं डाइपोल को ऐसा रखता, इधर प्लस क्यू रखता, इधर माइनस क्यू रखता, तो हमारा डाइपोल तो इधर हो जाता, तो हमारी फील्ड भी इधर आती, तो हमारी फील्ड भी इधर आती, बिकॉज देखो इसकी फील्ड ऐसी जाती और इसकी फील्ड इधर आती, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर के पीछे थोड़ा ना जाता है, सामने तो आता है. तो अगर चार्जेस को यू वर टू फ्लिप दीज चार्जेस इन दिस वे, देन यू गोना गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, ना कि इस दिशा में. और फिर से नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब इधर आ गया है. तो हमेशा
जो आपकी फील्ड है वो पॉइंट कर रही है, अगर ये दिशा पी कैप है देन ये कौन सी वाली पी माइनस का पी कैप, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ जाएगी, माइनस के पी कैप। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको, कुछ ऐसा कि E ऑफ वेक्टर इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P ओवर R क्यूब एंड द डायरेक्शन इज माइनस ऑफ P कैप, अगेन माइनस ऑफ P, माइनस शोइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द P कैप इज ऑपोजिट, और यू कैन से 180 डिग्री। तो यहां पर कुछ कंक्लूजन लिख ले रहे हैं, कंक्लूजन्स, ओके चलो पहला कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस, ऐसा लिख सकते हो या बोल सकते हो टू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। ओके इक्विटोरियल पॉइंट, पहला कंक्लूजन तो हमारे पास ये है, कंपेयर करके देख लो, यू कैन कंपेयर इट। कुछ एक्सियल पॉइंट की फील्ड याद रह गई है, एक्सियल फील्ड की दिस इज इक्विटोरियल, और एक्सियल यहीं पर मार्क करो तो ये है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन आर क्यू। मैं सिंपली ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू रिकॉल यू। सो इसका मतलब ये है, द समथिंग मीन्स ई ऑफ एक्सियल कैन बी ऑब्टेन्ड इफ यू ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल, दैट समथिंग मीन्स दिस। ओके नाउ कंक्लूजन नंबर टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट इज अलोंग माइनस ऑफ पी कैप, दैट समथिंग मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट एंड डायपोल मूवमेंट वेक्टर, ओके और यू कैन से डायपोल मूवमेंट वेक्टर इज 180 डिग्रीज, एंड दैट समथिंग इज प्रीटी ऑब्वियस, आप देख चुके हो। ओके द थर्ड कंक्लूजन इज दिस, अब मैं पॉइंट देने जा रहा हूँ जो मैं एक्सियल पॉइंट में देना भूल गया, उसका कंक्लूजन मैं इन्हीं इसके नीचे लिखने वाला हूँ, और यू कैन से उन दोनों ही डायग्राम्स का, उन दोनों ही डेरिवेशंस का जो कंक्लूजन है वो कुछ ऐसे फॉलो अप हो रहा है, और यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट is along plus का p cap, यहां पर minus का p cap है, and that something means angle between electric field at axial point and p vector is 0 degrees, and these things are quite important, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। ओके सी यू कैन यूज़ दिस थिंग इन अ न्यूमेरिकल, ओके कुछ ज़्यादा नहीं है, सबको पता होता है, सब लोग समझ जाते हैं इजीली। ये फैक्टर्स दो हैं, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है ड्यू टू द यूनिट वेक्टर, और ज़्यादातर लोग इसको याद भी रखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके वन मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, तो आप इन दोनों को जरूर नोट कर सकते हैं। ओके गो थ्रू दिस,
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो अभी हम लोग देखने चाहेंगे जनरल पॉइंट पे कैसे डराइव करते हैं। जनरल पॉइंट मतलब अगर मैं ना ही चूज करूँ एक इक्विटोरियल पॉइंट, ना ही एक एक्सियल पॉइंट चूज करूँ, एंड आई चूज सम पॉइंट विच इज इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कोई भी जनरल पॉइंट, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखने वाली है ये हमें उस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। और ये इक्विटोरियल फॉर्मूला और एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले हम लोग उस एक्सप्रेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज वो जनरल फॉर्मूला होने वाला है। सो उस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और हाँ, मैंने इसी में कहा था मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बट लेंथ को कम रखने के लिए मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल रहा हूँ। इसी के ठीक नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें आपको जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन मिल जाने वाला है। उसमें अप्रोच थोड़ी सी बेहतरीन होगी, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसे भी आप लोग वेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। हालांकि दोनों ही फॉर्मूले ये वाले ही इस्तेमाल होंगे, इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाला, हम लोग उसमें ड्राइव करेंगे। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विद दैट मैं इसको बाइंड अप कर रहा हूँ और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।